हेलो 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 आ गया सर हाँ yeah. yeah. सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का कि ये विधेयक जो आया है इससे समाज को बहुत लाभ मिलने वाला है अभी तक गर्भपात का जो समय था 20 हफ्ते तक नियत था इस बिल के माध्यम से 24 हफ्ते तक के लिए दो डॉक्टरों के परामर्श पे यदि माता की जान को खतरा है या माता कोई को परमानेंट डिसेबिलिटी या बीमारी शारीरिक या मानसिक तौर पर उसको होने वाली है या बच्चा स्वस्थ रूप से पैदा होने का शारीरिक या मानसिक तौर पे दिक्कत है तो उसमें छूट मिलेगी मैं ये समझता हूँ कि इस कानून से नाबालिग बच्चियाँ या दुष्कर्म से पीड़ित बच्चियाँ विशेषकर जिनको गर्भ धारण करने का पता ही बीस हफ्ते के बाद चलता है उनको भी जिंदगी के अंदर बहुत राहत मिलेगी एक अनुमान के अनुसार हिंदुस्तान में लगभग दो करोड़ सत्तर लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं और उनमें से लगभग सत्रह लाख बच्चे जन्मजात विसंगतियों के साथ पैदा होते हैं समाज पे एक विशेष परिवार के ऊपर उनको पालने का पोसने का और उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने का बहुत मुश्किल सा समय होता है डॉक्टर जब मना कर देते थे उन बच्चियों को उन माताओं को नीम हकीमों के पास जाना पड़ता था जहां उनकी जान का खतरा होता था अब मैं समझता हूं कि आधिकारिक तौर पे वो ऐसा डिसीजन ले पाएंगी इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी को क्या ध्यान एक बात पर आकर्षित करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान धीरे धीरे जवान हो रहा है पहले बाल विवाह होता था अब विवाह की उम्र बढ़ती जा रही है परंतु सेक्स की अवेयरनेस की उम्र कम होती जा रही है और दोनों की विसंगतियों के कारण कही कहीं ना कहीं गर्भपात विशेषकर 20 से 24 वर्ष की उम्र में शहरों में 13 परसेंट साढ़े तेरह परसेंट है हर साथ में मां को एक अनचाहे गर्भ को धारण होता है और उसको कहीं ना कहीं अबोर्शन कराना पड़ता है यह एक विकट समस्या है इसका क्या समाधान निकले और किस तरीके से सरकारें और समाज उस एक सकारात्मक समाधान को लेकर समाज की इस समस्या को दूर कर सकती है इस पे हमें ज़रूर विचार करना चाहिए मैं हाउस के सभी सदस्यों से भी इस पे निवेदन करना चाहूँगा कि ये विशेषकर शहरों में गाँव में इसकी अपेक्षा बहुत कम है परंतु शहरों के अंदर ये समस्या बढ़ती जा रही है इस पे भी माननीय मंत्री जी कुछ न कुछ संज्ञान लें और ऐसा कुछ सिस्टम बनाए कि के, ऐसे केसेस कम हो जय हिंद थैंक यू गुप्ता जी